स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज एसी की हवा थोड़ी आ रही है, तो अगर एसी की हवा की आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करना भाई, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एसी के बिना वीडियो बनानी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो हम शुरू करते हैं भाई आज की वीडियो से। और आज की वीडियो आपने जैसे टाइटल में पढ़ लिया होगा, मैं बकेट लिस्ट या फिर कौन कौन सी कंट्रीज में विजिट करना चाहता हूँ, कोई स्पेसिफिक रीज़न है उन कंट्रीज के विजिट करने का, तो मैं वो बताने की कोशिश करूँगा कि भाई बकेट लिस्ट का मतलब ये होता है भाई, आपके दिमाग में होगा भाई इस जगह तो मेरे को जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए भाई कि ये जगह मेरे को जानी ही जानी है। वो आप कह लो कि भाई या तो हमने टारगेट रखा है कि 2025 से पहले जाना है या फिर मरने से पहले जाना है, कुछ भी टारगेट हो सकता है आपका, पर वो जगह आपको विजिट करनी ही करनी है। और आप जगह विजिट नहीं करोगे तो चलेगा, आपको कोई दुख नहीं होगा, पर अगर वो जगह विजिट नहीं करी ना आपने तो आपको दुख होगा। इसका मतलब होता है बकेट लिस्ट, ठीक है। तो मैंने अपनी लिस्ट बना ली है बकेट लिस्ट की। आपकी कोई बकेट लिस्ट है, मतलब कोई स्पेशल बकेट लिस्ट है जो आप पे आप जाना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। मैं आजकल सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ट्राई करता हूँ सबको हर्ट देने की और जो सवाल वगैरह पूछे होते हैं उसका रिप्लाई करने की, पर इस चैनल पे भी भाई इतने कमेंट्स आने लग गए हैं ना कि भाई सबको रिप्लाई देना मुश्किल हो रहा है। पहली मैंने 5-6 वीडियोस पे सबको रिप्लाई दिया, पर फिर भाई कमेंट से हजारों की संख्या में आने लग गए हैं, कई वीडियोस पे तो 1000+ कमेंट आ गए हैं। तो यार उन सबको सबको रिप्लाई देना पसंद मतलब पॉसिबल नहीं है, पसंद कह रहा हूँ पॉसिबल नहीं है, पर जो पहले घंटे में कमेंट करते हैं मैं उन सबको रिप्लाई जनरली दे देता हूँ। और हर्ट तो मैं रात को बैठता हूँ कभी खोलने तो मैं देता रहता हूँ, मतलब मैं पढ़ता सबके हूँ पर कई बार देना भूल जाता हूँ। तो अपनी जो आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है या फिर आप जहाँ जाना चाहते हो दिल से, वो नीचे कमेंट करके बता सकते हो मेरे को। और ये होती है मेरी ट्रैवल बकेट लिस्ट की वीडियो शुरू। अब यहाँ से मैं बताऊँगा मैं कहाँ कहाँ जाना चाहता हूँ कि कोई मैं मतलब भूल ना जाऊँ कि बीच में वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि मैं लगातार एक साथ वीडियो बनाता हूँ, एक दो बीच में कट लेता हूँ तो कुछ रह ना जाए। तो मैंने लिस्ट बना ली लैपटॉप में, अराउंड 10 लग रही है मेरे को बकेट लिस्ट जो मतलब मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहली है भाई इंडिया में से जगह है, इंडिया में से जगह कौन सी है पॉज करके गैस कर सकते हो, क्योंकि भाई वही जगह है मतलब जहाँ पे सारे लोग आजकल जाना चाहते होते हैं, लद्दाख। तो लद्दाख ऐसी जगह है यार मैं अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता हूँ। देखते हैं इस साल तो मेरे को पॉसिबल थोड़ा कम ही लग रहा है, क्योंकि अभी बॉर्डर्स वगैरह की दिक्कत होगी स्टेट्स में बीच में, और अभी रोहतांग पास के परमिट भी नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे को अभी मुश्किल लग रहा है। पर अगले साल, इस साल नहीं हो पाए तो अगले साल तो पक्का ही है लद्दाख का टूर अपना। तो लद्दाख एक ऐसी जगह है कि मतलब बहुत कम जगह है यार लद्दाख जैसी, वहाँ पे आपको लद्दाख जाके आपको देखने कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो आप ड्राइव करके जाओगे ना बस उसी के पैसे हैं सारे, उसी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, आपको वहाँ जाके देखने को मिलेगा। कोई लद्दाख जगह नहीं है कि आप जाके हाँ भाई ये लद्दाख है, ऐसी कोई जगह नहीं है। आप वहाँ पे दिल्ली से ड्राइव करके जाओगे ना तो आपको वो सारे पैसे उस ड्राइव के हैं बस, तो वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, तो लद्दाख है मेरे बकेट लिस्ट में। दूसरी जगह है आइसलैंड। आइसलैंड एक कंट्री है यूरोप में, काफ़ी नॉर्थ में है और वेस्ट में है, और ओवल शेप की कंट्री है। तो जैसे आप उसकी कैपिटल रेकाविक में लैंड करते हो तो वहाँ से आप कार रेंट कर सकते हो एक, और पूरे आइसलैंड के चारों तरफ एक रोड जाती है जैसे ओवल शेप में, तो ऐसे रोड जाती है और उस रोड पे आप उस कार को चला सकते हो, पूरे आइसलैंड का ऐसे चक्कर लगा के आ सकते हो, और सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसी रोड पे हैं। तो ये मेरे को जरूर करना है भाई, क्योंकि आइसलैंड मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंट्री है यूरोप में। यूरोप में और सारी कंट्रीज मेरे को इतना कुछ इंटरेस्टिंग लगती नहीं है, पर आइसलैंड मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो आइसलैंड इसलिए है मेरी लिस्ट में। तीसरी आती है ग्रीस। ग्रीस एक और कंट्री यूरोप में से, तो मैंने सोचा पहले यूरोप को पूरा निपटा दे। यूरोप में सिर्फ दो कंट्रीज जो मैं कभी जाना चाहूँगा वो है ग्रीस। दूसरी ग्रीस इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि मेरे को हिस्ट्री पढ़ना इतना पसंद नहीं है, हिस्ट्री के बारे में मेरे को जानना नहीं है, पर जब मैं जाके देखता हूँ ना भाई इतने साल पुराना है और अभी तक यहाँ पे है, तो ग्रीस में वो हिस्ट्री भी है, सेंटोरिनी जैसे आइलैंड्स भी है जो मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर है, मूवीज़ वगैरह में देखे आज तक, तो वो मेरे को पुरानी चीज़ें देखनी है भाई कैसा है ग्रीस, मतलब ग्रीस की इतनी कहानियाँ सुनी है ग्रीस के राजा वाजाओं के बारे में, तो मेरे को असली में जाके देखना है कि ग्रीस है क्या चीज़। चौथा है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका एक पूरा कॉन्टिनेंट है, मतलब पूरा कॉन्टिनेंट तो आप विजिट नहीं कर सकते, उसके पार्ट्स विजिट करते हैं, तो उसके लिए आपको क्रूज़ लेना पड़ेगा। तो एंटार्क्टिका क्रूज़ लिख रखा था मैंने, आपको क्रूज़ लेना पड़ेगा अर्जेंटीना से, और इस क्रूज़ का कुछ रेट चलता है वो मतलब इंडिया से फ्लाइट्स अर्जेंटीना तक की वीज़ाज वगैरह सब कुछ प्रोसेस वगैरह मिला के 20-25 दिनों का खर्चा कुछ आता है,
5 से लेकर 10 लाख, कितना लग्जरी आप क्रूज लेते हो उसके ऊपर डिपेंड है आपका, और 5 से लेकर 10 लाख तक। तो अभी तो मेरे पास इतना बजट है नहीं कि मैं 5 लाख रुपए खर्च करूं एक टूर के ऊपर, पर वो टाइम भी आएगा कि मैं 5 लाख रुपए खर्च कर पाऊंगा एक टूर के ऊपर। उस टाइम हम विजिट करेंगे भाई अपना एंटार्क्टिका। फिर आता है भाई जो मेरी अगली बकेट लिस्ट में चीज है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वैसे हर साल या फिर मतलब थोड़े थोड़े सालों में चेंज होते रहते हैं, पर अभी जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उनमें से मैं 3 वंडर ऑफ द वर्ल्ड विजिट कर चुका हूँ, जो कि है ताजमहल, जॉर्डन में पेट्रा और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इनके अलावा 4 और बचते हैं, एक है ब्राजील में, एक है मेक्सिको में, एक है माचू पिचू और एक है, एक क्या है, एक शायद पिरामिड है। हाँ शायद पिरामिड है, एक चेंज होते रहते हैं मैं बता दे रहा हूँ। तो एक पिरामिड है, तो पिरामिड तो मेरे को वैसे ही विजिट करना है, वो उसके साथ साथ हो जाएगा। तो भाई मतलब ऐसे कूल लगता है कि भाई हम 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड जाके आ चुके हैं, तो ये करना है। अच्छा वो इनमें से कोई भी यूएसए में नहीं है, क्योंकि अगर यूएसए में होता तो ये करना काफ़ी मुश्किल हो जाता टूर। फिर अगला आता है यूएसए में से 2 डेस्टिनेशन है, जब यूएसए वीज़ा देगा तभी ये डेस्टिनेशन पॉसिबल हो पाएंगी। पहली है टाइम्स स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर जाके बिल्कुल सेम है ऐसा जैसे टोक्यो का शिबुया है, बस थोड़े बड़े स्केल पे है। और टाइम्स स्क्वायर जाके ऐसा लगता है यार आपने कुछ मतलब ज़िंदगी में हासिल किया है, और मतलब वहाँ पे सक्सेसफुल होने की फील आती है कि आप वहाँ पे खड़े हो गए जिस टाइम पे रात को जाके खड़े हो, तो आपको लगेगा यार आपने कुछ ज़िंदगी में अचीव किया है। क्योंकि कोई इंडिया से घूमने ऐसे टाइम स्क्वायर नहीं जाता यार बस कि हाँ भाई कुछ हुआ है, मतलब लाइफ में कुछ बदला है कि तभी हम टाइम स्क्वायर पर खड़े हैं। और टाइम स्क्वायर में विजिट करना चाहता हूँ 31 दिसंबर की रात को, क्योंकि न्यू ईयर की रात को तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है, तो बस यही रीज़न है टाइम स्क्वायर का। दूसरी डेस्टिनेशन अमेरिका में से है लास वेगास। लास वेगास जाके ऐसी फीलिंग आती है भाई, पहले तो इतनी सारी मूवीज़ में देखा है लास वेगास और टाइम स्क्वायर को, इसलिए जाना चाहता हूँ। लास वेगास जाके ऐसी फील आती है कि भाई आपने ज़िंदगी में सब कुछ अनलॉक कर लिया है, कि मतलब अब कुछ नहीं बचा, आप मतलब आप सब कुछ जीत चुके हो ज़िंदगी में। आप एक बड़ी सी गाड़ी में घूम रहे हो लास वेगास की रोड्स पे, बड़े बड़े कसिनोज है, कसिनोज में जाके आप खेल रहे हो, तो बस वो जो मतलब सब कुछ अचीव करने वाली फीलिंग है ना, ये मेरे को लग रहा है लास्ट में होगा लास वेगास, सबसे लास्ट लास वेगास और ये टाइम्स स्क्वायर, क्योंकि तभी यूएसए वीज़ा देगी। तो लास वेगास और टाइम्स स्क्वायर यूएसए में से थे। फिर आता है भाई अपनी एक मॉरिटेनिया करके एक कंट्री है अफ्रीका में, इसमें चलती है भाई एक आयरन ओर की ट्रेन, जो कि 2-2.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। उसमें आप राइड करके मतलब जहाँ से शुरू होती है जहाँ पे एंड होती है वहाँ तक आप उस पर चढ़ के जा सकते हो, कोई टिकट वगैरह नहीं लगती, बस इस ट्रेन चल रही है आपको चलती हुई ट्रेन में चढ़ना है और अपने आप को जो वहाँ पे आयरन ओर होगी उससे प्रोटेक्ट करना है। एक एडवेंचर टाइप है जो कि मैं करना चाहता हूँ, और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं अभी तक ये कर चुका होता, सारे प्लान्स मेरे बन चुके थे, पर अब देखते हैं कब पॉसिबल हो पाता है ये। फिर अगला आता है पाब्लो एस्कोबार प्लेन। आप कहोगे भाई ये क्या है, पाब्लो एस्कोबार आपको पता ही है दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग का डीलर था जो कि कोलंबिया में रहता था, तो वो अपने एरोप्लेन से ड्रग सप्लाई करता था अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा वगैरह में करता होगा पता नहीं, तो यूएसए में तो करता ही था, तो वहाँ से वो प्लेन भेजता था। तो एक एरोप्लेन उसका बहामास के समुद्र में क्रैश हुआ पड़ा है, जो कि मतलब उस जगह समुद्र इतना गहरा नहीं है, 15-20 फुट ही गहरा है, तो प्लेन आपको ऊपर से दिख जाता है। आजकल आपके साइड में फोटो डाल दिए मैंने, तो लोग यहाँ पे डाइविंग वगैरह करने आते हैं, तो मेरे को मतलब मैंने नेटफ्लिक्स पे पाब्लो एस्कोबार की सीरीज भी देख रखी है नार्कोस, तो मेरे को तभी से इंटरेस्ट है कि भाई ये प्लेन मेरे को देख के आना है, तो इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा बहामास। देखते हैं कब होता है, ये भी काफ़ी मतलब लेट ही होगा मेरे को लग रहा है, बहामास मेरा कोई जल्दी जाने का प्लान है नहीं। और आखिरी आता है इजिप्ट। इजिप्ट में मैं वो जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे दा मम्मी की शूटिंग हुई है। दा मम्मी एक मूवी है 1999 की, और वन ऑफ द माई फेवरेट मूवी है दा मम्मी। मेरे को देखना है यार वहाँ पे मतलब क्या क्या है इजिप्ट में, सारी जगह मेरे को जानी है जहाँ पे दा मम्मी की शूटिंग, क्योंकि खैर दा मम्मी की जो शूटिंग हुई है वो तो सब कुछ उसमें नकली दिखाया है कि ऐसा ऐसा असली में हो नहीं सकता, पर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे को लगेगा भाई क्या पता हो जाए, तो वो वाली मेरे को फीलिंग लेनी है कि भाई दाव में जो भी चीज़ दिखाई है मैं सारी जगह जाना चाहता हूँ, जितनी मम्मीज़ वगैरह को रैप करके रखा है सब कुछ इजिप्ट से रिलेटेड, तो मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। जो जब इजिप्ट जाएंगे तो बिल्कुल बेहतरीन टूर होने वाला है वो वाला, क्योंकि आपको एक तो मैं हिस्ट्री थोड़ी पढ़ के जाऊँगा पहले से, और दाव में मूवी दोबारा देख के जाऊँगा ताकि मैं सारी वो जगह विजिट कर सकूँ। तो ये मेरी एक लिस्ट थी, थोड़ी मतलब अजीब लिस्ट भी हो सकती है, क्योंकि लोगों की लिस्ट होती है पेरिस वगैरह जाना या फिर मतलब
जैसे टूरिस्ट प्लेसेस जाना, तो इनमें से काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस भी थोड़ी अजीब जगह भी थी। तो मतलब मेरा है कि भाई मेरे को सारी की सारी कंट्रीज विजिट करनी है, पर ये वो लिस्ट है जो मतलब एक बार हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, मतलब लगेगा हाँ भाई अब हो चुका है मेरा काम, मैंने सब कुछ देख लिया है ज़िंदगी में, अब मैं अगर मर भी जाऊँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस यही थी वीडियो आज की, अब मिलते हैं आपको कल।